मैम, दिस इज रिगार्डिंग अ क्रॉस बॉर्डर ट्रेड प्लेटफॉर्म। मैम, आई एम ऑल्सो एन यूट्यूबर। सो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एज अ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट स्टार्टअप एम्प्लॉय मैं क्या करता हूँ, किस तरीके से मेरा दिन जाता है, मैं कौन कौन सा काम करता हूँ, किस तरीके से मैं रिलेटेड रहता हूँ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के मामले में। क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं कई सारे टॉपिक्स अपने टेलीग्राम पे भी शेयर करता हूँ, इंस्टाग्राम पे भी आप लोगों को पता है कि स्टोरीज लगती रहती है, सीक्रेट मैं बताने वाला हूँ, तो वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना। पहले जनरल मैं शुरू करता हूँ अपना मेल चेक करने से। मेल पे कुछ रिप्लाईज वगैरह होती हैं, मेल्स वगैरह आती है तो उसका रिप्लाई कर देना। उसके बाद हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी सारी चीज़ें चलती रहती हैं, तो वहाँ पे भी थोड़े बहुत मैसेजेस आते हैं, तो कुछ मेरी रिक्वायरमेंट होती है तो वहाँ मैं रिप्लाई कर देता हूँ। उसके बाद मैं चेक करता हूँ अपना गूगल कैलेंडर और रेगुलर बेसिस पे, तो बहुत सारे मीटिंग्स होती हैं हमारी गूगल मीट पे, तो वो सारी चीज़ें चेक करना जरूरी है कि कौन सा कब है। वैसे तो नोटिफिकेशन मिल जाती है, फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। उसके बाद मैं चेक करता हूँ टेलीग्राम। रुको, वापस आओ। कॉफ़ी पिए बिना काम नहीं हो पाता, बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। एक और चीज़ बताया, बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्या है, उस लाल रंग का जो सब्सक्राइब बटन है ना, उसको जल्दी से क्लिक कर देना, और जो लाइक बटन है उसको भी जल्दी से क्लिक कर देना, ताकि आप लोगों को फ्यूचर नोटिफिकेशन मिलते रहे वीडियोज़ की। टेलीग्राम के मैसेजेस आते हैं, एक्चुअली हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी आप लोगों को पता नहीं, तो टेलीग्राम ग्रुप को जाकर आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। वहाँ पे मैं रेगुलर बेसिस पे बात करता हूँ, रेगुलर बेसिस पे जो छोटी छोटी नोटिफिकेशन होती हैं, छोटे छोटे अपडेट्स होते हैं रिलेटेड टू एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, वो भी मैं शेयर करता रहता हूँ। देखिए, ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद जो मेरा कोर काम है इस टाइम पे स्टार्टअप में, जो सबसे ज़्यादा जिस काम के पीछे मेरा टाइम जाता है, वो है कस्टमर एक्विजिशन। मतलब आप लोगों को पता है कि हम लोगों का एक जो प्लेटफॉर्म है एग्जिम पे, तो उसमें लोगों के डेमो रिक्वेस्ट आते हैं, मतलब लोग जानना चाहते हैं किस तरीके से हमारा प्लेटफॉर्म काम करता है, तो उन सारे कस्टमर्स को मैं कॉल करता हूँ, बताता हूँ कि किस तरीके से सारी चीज़ें काम करती हैं, डेमो का प्लेटफॉर्म का डेमो वगैरह देता हूँ, कोल्ड कॉलिंग भी मैं करता हूँ। ग्राफ सर, मैं दिमाग में बात कर रहा हूँ एग्जिम पे से, आपका रिक्वेस्ट आया था एग्जिम पे डेमो के लिए। कस्टमर से काम करना, ये मीटिंग करना, सारी जो कंपनी के काम है ये मैं 4 बजे तक करता हूँ। शाम को 5 से 7 में कोशिश करता हूँ जो क्रिएटिव वर्क है उसको मैं करूँ, क्योंकि शाम को 5, 7 से 5 के बीच में ना मेरा जो क्रिएटिविटी है वो थोड़ा सा ज़्यादा रहता है कम्पेयर टू डे टाइम। इसके पीछे भी एक रीज़न है, पता है, जब मैं आप लोगों को पता है कि मैं एक CHO था, तो CHO फील्ड में जब मैं काम करता था तो मेरा घर आता था जनरली 8-9 बजे तक, और 8-9 बजे के बाद ही मैं ये सारा जो यूट्यूब है ये मैंने शुरू किया था, उसी टाइम पर मैं करता था। इस वजह से मेरे को आदत हो गई है कि मैं जो मेरा जो क्रिएटिव वर्क है ना, वो क्रिएटिव वर्क का मतलब ये है कि हमारा एग्जिम पे का जो इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन है, यूट्यूब चैनल भी है एग्जिम पे का, अगर आप लोगों को पता नहीं है तो आप लोग जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पे जो कंटेंट जाता है वो भी मैं ही सारा बनाता हूँ पूरी तरीके से, मतलब उसी कंटेंट का जो है सारा रिसर्च करना, कौन से टॉपिक पर वीडियो बनेगा वो टॉपिक डिसाइड करना, टॉपिक पर रिसर्च करना, फिर सारी चीज़ें डाउनलोड करना, उसके ऊपर स्क्रिप्ट लिखना, फिर उसको शूट करना, फिर उसको एडिट करना, सारी चीज़ें फ्रॉम 0 to top वीडियो का जो है वो सारा मैं ही कर रहा हूँ। सो ये कुछ मेरा दिन इस तरीके से दिखता है, फ्रॉम सुबह टू शाम, फ्रॉम कस्टमर एक्विजिशन टू टेलीकॉलर टू रिसर्च एनालिस्ट टू वीडियो एडिटर टू वीडियो शूट यूट्यूब सोशल मीडिया मैनेजर, सारी चीज़ें एक साथ करते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है जब भी आप स्टार्टअप में काम करते हो तो सारी चीज़ें आप लोगों को एक साथ करनी पड़ती है। आप हर एक बंदा यहाँ पे जो है वन मन आदमी होता है, किसी बंदे का रोल कोई फिक्स नहीं होता, तो सबको सब कुछ करना पड़ता है। मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मैं गूगल ट्रेंड्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, गूगल ट्रेंड्स का, गूगल अलर्ट्स का, कि किस तरीके से इस टाइम पे हमारी इंडस्ट्री के अराउंड कोई भी न्यूज़ चल रही है तो वो सीधा मेरे मेल पे आ जाती है गूगल की तरफ से। कीवर्ड सेट करने पड़ते हैं आपको, वो कीवर्ड आप सेट कर देंगे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट लॉजिस्टिक्स फाइनेंस एफएक्स ट्रांजैक्शन, तो ये कुछ 2-4 आप कीवर्ड्स वहाँ पे सेट कर देंगे तो उस कीवर्ड्स के अराउंड कोई भी न्यूज़ होगी तो वो सीधा आपके इनबॉक्स में आ जाएंगी। आपको कुछ भी अलग से जाके सर्च करना नहीं पड़ेगा कि लेटेस्ट क्या चल रहा है इस टाइम पे, इस तरीके से मेरा दिन दिखता है। तो मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए। अरे आप लोग अभी भी यहीं हो, गया हम थोड़ा सा खेल भी लेते हैं यहाँ पे।